हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप लोग? ये है क्लिपिंग शाम की, मतलब मैंने वीडियो शाम को शुरू किया है। स्कूल से आने के बाद चाय खाना वाना खा के हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया, और फिर उसके बाद चाय वाय पीने का जब टाइम हो तब मैं मतलब आई किचन में, और बर्तन वर्तन काफ़ी थे। सुबह जाने से पहले स्कूल मैंने जो थे वो सब धो दिए थे। ये सब स्कूल से आने के बाद लंच किया, और टिफ़िन है हम लोगों का। और मेड छुट्टी पर गई हुई है, 5-6 आई थिंक 8 दिन की छुट्टी पर है वो, और उसके घर में शादी है किसी की, तो वो 7-8 दिनों बाद आएगी। अब तब तक ये मेड ड्यूटी है सुबह शाम, जैसे कि वो मैनेज करके बर्तन वर्तन धोना झाड़ू पोछा सारा। तो बस ये बर्तन जो थे सुबह वाले मैं वॉश कर गई थी स्कूल जाने से पहले। उसके बाद जो बच्चों ने थोड़ा बहुत खाया होगा, ब्रेकफास्ट वगैरह किया होगा, फिर उनका टिफ़िन, मेरा टिफ़िन, हस्बैंड का टिफ़िन, लंच बॉक्स हम लोगों के वही, और फिर दोपहर के खाने के बर्तन सारे, तो ये सब फिर इसको वॉश करके फिर मैं लगूँगी किचन में डिनर की तैयारी में। फिर उसके बाद बस रात को डिनर वाले बर्तन बचेंगे, तो वो मैं सोने से पहले सब साफ करके धोधा के रख दूँगी किचन के लिए। तो अभी वो नहीं है, जब तक मेड मेरी तब तक तो ऐसे चलेगा रूटीन 5-7 दिन तक। वो आ जाती है तो धोती तो मैं तब भी हूँ, बट थोड़ा लोड कम होता है, मतलब जैसे जो ज़रूरी है या मुझे लग रहा है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा वो मैं धो देती हूँ, या सारे धोने के मतलब कंपल्सरी नहीं होता मुझे कि धोने ही धोने, बट अभी तो है कंपल्शन ना कि धोना ही धोना है, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो चलिए 5-7 दिन ये सब करना है, तो ये भी रूटीन इन्जॉय करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पहली बार नहीं है ऐसा जब ऐसा होता है। अक्सर सबको छुट्टी की ज़रूरत पड़ती है, और सबके घर में फंक्शन है, त्यौहार है, काम है, शादी ब्याह है, तो हो जाता है। पहले से पता होता है ना तो बहुत इजी हो जाता है। आप किश्तों में धो लो, जब भी जरूरत हो तो थोड़ा धो के सुखा लो, मतलब रख लो, 2-4 रोया धोते रहे साथ साथ। दिक्कत तब आती है जब पता नहीं होता, सडनली छुट्टी हो जाती है, या फिर वो आती नहीं है, फिर कुछ ऐसा हो जाता है, तो आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं, तब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि अरे मतलब एकदम से हम तो सोचे बैठे थे खाने का टाइम हो गया और आया नहीं अगला बंदा। तो पहले से पता होता है तो इतनी टेंशन नहीं होती, मैं तो मेंटली प्रिपेयर रहती हूँ। फिर धोने वाने के बाद मैंने किचन स्लैब वलब साफ़ की, वही थोड़ा बहुत इधर का वाइप कर रही हूँ मैं, और आज बना रही हूँ मैं डिनर में मोमोज। वंश की फरमाइश है, कई दिन से वो कह रहा है, मैं बना नहीं पा रही हूँ, तो हालांकि मैं फुल रेसिपी शेयर नहीं कर पाई, बट जैसी भी है आप देखिए। बाकी मैं जो फुल रेसिपी अगर आप कहेंगे तो मैं बाद में शेयर कर दूँ किसी और दिन बना के, क्योंकि वंश को बहुत पसंद है, तो कभी भी बन जाता है हमारे घर में, ऐसे कुछ बड़ी बात नहीं है। तो मैं अभी तो ये पत्ता गोभी है उस साइड में, उसको मतलब मैंने ग्रेट कर लिया बहुत बारीक सा, अब ग्रेट कर लीजिए या चॉप कर लीजिए, और मैं मतलब उसे पका रही हूँ, भून रही हूँ, पहले हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। सोयाबीन बड़ी थी नहीं, तो फिर मतलब मैंने वंश से बोला भी कि बेटा है नहीं, तो बोला मम्मा ऐसे ही बना दो, बस मुझे आज खाना है, मेरा मन कर रहा है। तो बस इसमें एक दो सब्ज़ी और थी, वो मैंने सारी चॉप कर लिया है, उसको अच्छे से मतलब बारीक चॉप करके थोड़ा सा फ्राई कर दिया है। वैसे मैं मोस्टली कच्चा ही बनाती हूँ, बट आज मैंने फ्राई करके बनाया है। और ये तो चटनी, शुरू में आपको दिखाया था लहसुन, खड़ी लाल मिर्च, इसको मतलब मैंने बॉयल कर लिया था, बॉयल करके पीस लिया है, और नमक वमक डाल के, और फिर इसको मैं छौंका लगा दूँगी, मतलब देखिए मैंने इसको छौंक दिया है। और जब मोमोज बना ही रहे थे तो फिर ये हुआ कि डिनर तो आज करेगा नहीं कोई, तो ये सुबह मैंने आलू के पराठे बनाए थे, उसकी थोड़ी सी पिट्टी मतलब जो मसाला भरते ना स्टफिंग, वो बच गई थी, तो फिर ये वेस्ट हो जाती, ख़राब हो जाती, तो फिर मैंने इसकी टिक्कियाँ बना ली हैं। आपको कुछ नहीं करना, उस मसाले में थोड़ा सा पोहा पीस के मिला दीजिए, और बस उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च चाट मसाला एक्स्ट्रा अलग से कर लीजिए टेस्ट के हिसाब से, और इसकी टिक्की बना के इसको तवे पे शैलो फ्राई करना है आपको। हम लोग तो मतलब मोमोज ही हो जाएगा हमारा डिनर में, बट हस्बैंड बस टेस्ट करेंगे, वो 2-4 ही खाएंगे, ज़्यादा नहीं। तो मैं उनके लिए परवल की सिंपल सब्ज़ी, हल्की सी मसाला लगा के, और उनका मतलब मिलेट्स बना दूँगी, तो उनका हो जाएगा। तो ये परवल काट लेते हैं, प्याज और लहसुन थोड़ा सा मैंने उसमें कूट लिया है अदरक कूटने वाले में, और बस ऐसे सिंपल सी भुजिया भी बनती है इसकी, बहुत टेस्टी, बट भुजिया से खा नहीं पाएंगे, तो मैं थोड़ी सी हल्का सा मसाला देके बनाऊंगी। देखिए पीछे मैंने स्प्राउट चढ़ा, अरे स्प्राउट नहीं सॉरी मिलेट्स चढ़ा दिए हैं, वो हो जाएंगे, और इधर मैंने प्याज को छौंका लगा दिया, तो थोड़ी सी लाल हो गई थी, इसमें डाले परवल, थोड़ी देर हम इसे फ्राई करेंगे। मतलब ना परवल वैसे आप चाहें तो पहले तल के निकाल भी सकते हैं, जो ट्रेडिशनली बनती है सब्जियाँ ना उसमें परवल तल दिया जाता है, बट मैं तलती नहीं हूँ, थोड़ा कम तेल में बनाती हूँ, तो
ऐसे हो जाता है। तो प्याज के साथ में परवल फ्राई कर लिया, फिर कुटा हुआ लहसुन, हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक, बस ये चार मसाले डाल के और अब हम इसे मसालों को भून लेंगे। टमाटर डाल देंगे इसी स्टेज पे, थोड़ी देर पकाएंगे, टमाटर गल जाएंगे और बस इसको ऐसे चला के पका के जब टमाटर गल जाएंगे हमारे, तो थोड़ा सा जितनी आपको ज़रूरत हो उतना पानी डाल के इसको ढक दीजिए। परवल 5-7 मिनट में गल जाएंगे और आपकी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। और चलिए बना लेते हैं इधर मोमोज। एक बड़ी सी रोटी बेली है मैंने, इसके मैं मतलब गोल छोटी छोटी वो काट लूँगी रोटियाँ सी और इसके अंदर भरेंगे अपनी स्टफिंग और बस इसको शेप दे देंगे जैसे भी आपको चाहिए। मुझे परफेक्ट मोमोज की शेप देनी नहीं आती, मेरे घर में ऐसी पोटली सी बना के हम सब लोगों को पसंद है तो सब लोग खाते भी ऐसे ही हैं, तो बस ऐसे बना के रख लेंगे। देखिए स्टीमर मेरा रेडी है, इस पे स्टीमर में मतलब क्या ऐसे कुछ नहीं है, नीचे एक भगौनी है उसमें पानी भर के और ऊपर मैंने ये छेद वाली जाली मतलब प्लेट लगा दी है, ये स्टीमर का काम कर देती है। जो भगौनी बड़ी वाली मेरा स्टीमर सब में काम कर देती है, इडली में भी और इसमें भी। तो बस इसको ऐसे रख के और अब हम इसे ढक देंगे, इसको 7-8 मिनट स्टीम करेंगे आप, इसके ऊपर की जो लेयर है ना शाइनी सी हो जाएगी, ये इसके पकने की पहचान है। मम्मी चाय पी रही है और दीदी भी चाय पी रही है, यहाँ हो रही है झमाझम बारिश, बट बस कमी है पकौड़ों की जो पूरे करेंगे हमारे टेस्टी टेस्टी होममेड मोमोज। अभी ये पक रहे हैं, इनको पकने दो। आपको दिख नहीं रहा होगा, अच्छे से मैं लाइट ऑफ करता हूँ, सब दिखे आपको, लाइट से पता चल रहा होगा। यहाँ पर इतनी ठंडी हवा चल रही है, बता नहीं सकता, जैसे क्रॉस वेंटिलेशन है, इधर से भी खुला है ठीक है और वो उधर से भी खुला है, पूरी हवा आती है, बहुत ठंडी हवा लगती है, इसलिए मैं अभी बीच में खड़ा हूँ। तो यहाँ लू चलती है जो गर्मी हो जाती है, हाँ मैंने भी लगाया था, अच्छा है। मैं गोल्डन लगा, गोल्डन, ये देखो ये मेरे को मिला था एक सेट में ये, और इससे ये महारानी ने दिखा नेल पेंट बना लिया, देखो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे बनाया इसने, ब्रश पेन लिया गोल्डन वाले से नहीं सिल्वर वाले से, और यूँ नए हैं तो ये नेल पेंट को भी नेल को भी कलर कर दे रहे हैं ठीक है, इस तरह वो नेल कलर कर रहे हैं और पता नहीं लग रहा है ये ब्रश की है या नेल पेंट। देख दीदी मोमोज खाते खाते फिर हम लोगों को मतलब बारिश बाहर देखा आपने बहुत तेज़ हो गई थी, तो फिर जब कुछ ठंडा ठंडा हो तो फिर चाय की क्रेविंग हो जाती है, तो फिर नेहा पड़ रही थी, फिर बनी चाय, मैंने और नेहा ने चाय पी, तब तक कैमरा संभाला वंशु ने, और अभी आपने उसकी ब्लॉगिंग देखी, जब कैमरा उसके हाथ में आ जाएगा तो वैसे भी उसको बहुत घुमाएगा, बहुत हिलाएगा, सब कुछ दिखाएगा। तो ये फर्स्ट लॉट जो है ये तैयार हो गया है मोमोज का, दोबारा मैं इसे ऑयल से ग्रीस करके और फिर इस पर रख दूँगी। मैं मोमोज आटे के बनाती हूँ ना तो वो चिपक जाते हैं, मतलब अगर आप ग्रीस नहीं करेंगे स्टीमर को तो वो चिपक जाएंगे उस पर, और जब वो उठाएंगे ना तो फट जाएगा पूरा, उसके अंदर की स्टफिंग निकल जाएगी, इसलिए हमेशा ग्रीस करके लगाइए। और मेरे घर में कभी भी मैदे के मोमोज नहीं बनते, इवन आज तक कभी नहीं बनाए हमने मैदे के, हम हमेशा आटे के बनाते हैं, और मुझे ना ये मैदे से ज़्यादा टेस्टी और सेटिस्फाइंग लगते हैं, मतलब 2-4-10 की जगह जितने खाने हो बच्चे उतने खाएं, टेंशन फ्री होके। रेड वाली चटनी भी घर की होती है बट इसकी मायनीज जो होती है ना थोड़ा सा मैं यूज़ करती हूँ। बाकी ये चटनी देखिए, देखिए इसकी जो स्किन है कितनी शाइनी हो गई है, यही निशानी होती है कि आपके मोमोज पक गए हैं, आपको और कुछ नहीं करना है। तो ये है मोमोज हमारा आज का डिनर, और साथ में ये जो मैंने टिक्किया बनाई थी ना इसकी मतलब प्लेटिंग कर लेते हैं। 8 ही बनी थी, थोड़ी सी स्टफिंग थी उससे। तो सबसे पहले ये मीठी चटनी, फिर ये हरी चटनी, और इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा दही, अगर आपको पसंद हो तो कटे प्याज, कटे टमाटर और थोड़ी सी भुजिया जो आती है सी वो डाल सकते हैं, बच्चों को नहीं चाहिए होता है तो मैंने कुछ भी, वो तो ग्रीन चटनी को भी मना करते हैं बट मैंने डाल दी है, बहुत टेम्पटिंग बनी थी, बहुत टेस्टी, मतलब जैसा लेफ्ट ओवर था उस हिसाब से बहुत क्रिस्पी, बहुत कुरकुरी। ये देखिए सेकंड बैच हो रहा है और ये भी फर्स्ट बैच गया, बच्चों ने मतलब निपटा दिया, सेकंड बैच ये 4 हैं इसमें, तो थोड़ी सी थी मैंने कहा बनाए थे ये भी साथ में ख़त्म हो जाएंगी,
और मैं रिएक्शन सुनाती आपको वंश ने क्या बोला था, बट ना बैकग्राउंड में गाना चल रहा है और आपको पता है कि कॉपीराइट वाला इशू बहुत बड़ा होता है, तो फिर मैंने सब कुछ म्यूट कर दिया है और बहुत खुश है। दोनों टिक्की लेके बैठे हुए हैं, मोमोज तो था ही, टिक्की और सोने को सुहागा हो गया इन लोगों के लिए, आज की पार्टी तो मस्त हो गई। तो बस आज का डिनर यही है, अभी जा रहे हैं पापा का रिव्यू लेने, पहले पापा को देने जा रहे हैं प्लेट। काम कर रहे थे हस्बैंड ऑफिस का, लॉग इन था उनका, अभी मीटिंग कोई चल रही थी तो पहले प्लेट देकर आए, फिर उसके बाद दोबारा पूछने गए पापा कैसी बनी है। यही था हमारा आज का डिनर, हस्बैंड की उनके मिलेट्स और सब्जी हो गई है, जब वो मीटिंग से फ्री हो जाएंगे तब वो खाएंगे खाना। और उसके बाद देखिए ये टेस्टी टेस्टी खाना खाने के बाद, बनाने के बाद क्या होता है, मेड चल रही छुट्टी पे पहले ही आप लोगों को जैसे मैंने बताया था, और उसके बाद ये पिटारा, इतना बड़ा अंबार, ऐसा लग रहा है जैसे कि होटल की मेस का मतलब बर्तन वर्तन धुलने जा रहे हैं। फटाफट फिर मैंने सारे साफ़ किया, हालांकि भी सारा खाना उधर का क्लियर नहीं हुआ है मेरा, बट ये बर्तन ना बहुत ज़्यादा हो गया था। जब भी आप कोई ऐसे स्टीमर वाली चीज़ बनाओ, दो तीन आइटम बनाओ ना, तो थोड़ा थोड़ा करते करते हो जाते हैं बर्तन, शाम के चाय के भी थे कुछ बर्तन, तो पहले ये सारे धो के हटा लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी किचन का काम समेटेंगे। और बर्तन अभी और भी हों साइड में, अभी किचन का मेरे काम चल रहा है, ख़त्म हुआ नहीं है, बट बीच में थोड़ा टाइम था ना, तो मैंने कहा इसको पहले धो के हटा लेते हैं। और स्टीम करने वाली चीज़ों में या फिर कुछ ऐसे में यही फ़ायदा होता है, आप एक बार बना के चढ़ा के छोड़ दीजिए, आपको लगे नहीं रहना पड़ता उसमें, वो जब तक पहला बैच स्टीम होगा 15 मिनट में, तब तक दूसरा बैच मेरा मतलब मैंने इतने भर लिए कि दो बैच मेरे आराम से हो जाएंगे, तो तब तक इतना टाइम है। इसमें बर्तन वर्तन वॉश कर लेते हैं, इधर की जगह खाली कर लेते हैं, फिर सुबह की तैयारी करनी है। तो देखिए पहले ना स्टील के बर्तन धो के हटा लेती हूँ मैं, फिर उसके बाद ये सिरेमिक वाले जितने भी होते हैं ये बाद में धोती हूँ, क्योंकि कई बार ना ऐसे करते करते मतलब मेड ऐसे करती हूँ उनको, तो एक साथ ही सारा धोएंगी, उन्हें ऐसे तो कुछ होता नहीं है, तो कई मेरे कप ऐसे फूट जाते हैं कांच के सिरेमिक के। तो ये सिरेमिक वाले बर्तन ना आप भी ट्राई कीजिए कि इसको अगर साथ धोते हैं तो अलग से धोइए, तो आपकी कपों की लाइफ ना थोड़ी सी बढ़ जाएगी, आपको भी लगेगा। मेरे साथ भी ऐसा है, मेरे कप की लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है जब मैं उसको खुद से अलग से धो के रख देती हूँ। इसके बाद फिर बर्तन धुल हो गए थे, फिर सिंक को पोछ लेते हैं, मतलब साफ़ कर लेते हैं। जितनी बार बर्तन धोएं आप उतनी बार एक बार साबुन अपने सिंक में ज़रूर मारें, जिससे मतलब वो बिल्कुल नए सिंक की तरह चमकता रहेगा हमेशा। बस कुछ नहीं करना, जिस जूने से मतलब या फिर अलग जूना है तो भी बर्तन धोया, साथ के साथ उसी हाथ से आपको एक बार सिंक को साफ़ कर दीजिए, कभी कोई स्मेल, कोई ऑर्डर, कॉकरोच वॉकरोच कुछ भी नहीं आएगा आपके सिंक में कभी भी। मेरा ये घर बने हुए 6 साल हो गया, बट मेरे सिंक में या फिर कहीं भी कॉकरोच टचवुड एक भी नहीं है, पूरे गटर में मेरे लाइन जो बाथरूम में चाहे कहीं भी कभी कोई कॉकरोच जल्दी दिखता नहीं हमारे यहाँ। बस इसके बाद इधर का ये फटाफट स्लैब व्लैब क्लीन कर लेते हैं, अभी उधर थोड़ा बहुत प्रोग्राम चल रहा है खाने पीने वाला, थोड़ा बहुत रखा हुआ आइटम वो सब फिनिश करके फिर उसके बाद फाइनल टच बाद में देंगे किचन को। लेकिन तब तक कोई ना गिरा विरा जो भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता। उसके बाद सारा काम निपटाने के बाद मैं आगे थी, जो रात को भिगोना भिगोना होता है, चने भिगोए सुबह के लिए, ये मूंग भिगोया स्प्राउट करने के लिए, सुबह फूल जाएंगे तो फिर मैं उनको कपड़े में लपेट के रख के जाऊँगी, स्प्राउट हो जाएगा। और ये इसमें लोटे में थोड़ा सा दूध दिन का है और थोड़ा सा मतलब जामुन मिला के, और फिर दूध बाद में अभी जब गर्म हो जाएगा थोड़ा ठंडा करके मैं डाल के जाऊँगी। और देखिए इतना लेट दूध आता है, अब दूध आया हमारे यहाँ, अब इसे ठंडा होते होते गर्म होते ठंडा होते 11 बज जाएंगे। तो बस दूध वाला इशू भी बहुत लेट आता है दूध हमारे यहाँ, जब तक दूध गर्म होता तब तक मैं काट लेती हूँ सब्ज़ियाँ। सुबह बनेगी एक तो ये बनेगी, इसको वही रमास की फली बोलते हैं बहुत लोग बोड़ो बोलते हैं जो आपके यहाँ बोला जाता हो, बट ये फ्रेंच बीन्स नहीं है। और ये बनेगी मसालेदार आलू और बीन्स की सब्ज़ी। और दूसरा बनेगा ये भिंडी, भिंडी प्रेमियों के घर में एक दिन छोड़ के तो एक दिन भिंडी बननी चाहिए। और इधर ये गैस मैंने तेज कैसे किया था मुझे याद ही नहीं आ रहा है, और ये दूध उबल गया, गिर गया था नीचे, काम बढ़ गया, 10-15 मिनट इसमें लग गया एक्स्ट्रा। इसका दोबारा क्लीन वन किया सारा, और फिर दोबारा दूध मिलो उधर रख के, फिर मैं फिर से सब्ज़ी काटने के लिए, मेरे वंशु के हाथ में कैमरा है, ये हिला विला रहा है। देखिए दूध हो गया, एक उबाल आ गया, अब मैं इसको बाकी ना सुबह उबालूँगी, इतने आराम से जब सुबह खाना बनाऊँगी 4 बजे उठूँगी तब इसको उबाल के और फिर इसको फ्रिज में रख के जाऊँगी। अरे नेहा यहाँ पढ़ते पढ़ते सो गई है, उसको मैंने कहा अंदर चली जा, तो कह रही आप चलोगे तब चलेंगे साथ में, तो सो रही, अभी जब मैं जाऊँगी तब लेके जाऊँगी उसको भी अंदर। और इधर ये भिंडी काट लेते हैं, भिंडी बनेगी और आलू बीन्स की सब्ज़ी बनेगी, और बीन्स
तो मैं काट लेती हूँ, बट आलू नहीं काटती हूँ, आलू काले हो जाते हैं। मैं रख लूँगी सारा कुछ निकाल के स्लैब पे, आलू प्याज जो भी चाहिए होगा मुझे। तो बस भिंडी की फटाफट कटिंग कर लेते हैं। वंशु बैठा है, ये जब तक मैं काटूँगी सब्जियाँ तब तक यहीं बैठा रहेगा, ये बातें करेगा, जाएगा नहीं सोने, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती उलट जाए सोएगा नहीं ये। इसके बाद फिर मेरे को लहसुन छिलना था, कुछ सुबह लहसुन नहीं हो पाते हैं, और फटाफट लहसुन छिला, काम ख़त्म हो गया। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।